नमस्कार दोस्तों, फेफड़े को हम हेल्दी किस प्रकार रख सकते हैं, मतलब अगर पूछा जाए कि फेफड़े को हेल्दी रखने के लिए किन किन आहार का हम सेवन कर सकते हैं, चाहे वो फूड हो या फिर चाहे वो फ्रूट्स हो, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में, इसी के अकॉर्डिंग जानकारी दी जा रही है कि ऐसे कौन कौन से आहार का आप सेवन कर सकते हैं जिससे आपका फेफड़ा एकदम हेल्दी रहे और हमेशा स्वस्थ रहे। दोस्तों हम सभी को जीने के लिए सांस लेना पड़ता है। सांस लेने के लिए फेफड़े हमारी मदद करते हैं। फेफड़े शरीर को ऑक्सीजन देते हैं और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। फेफड़े नाक के द्वारा ली गई हवा को शुद्ध करने का भी काम करते हैं। फिर वह शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों से दिल तक पहुँचता है और फिर दिल से पूरे शरीर में खून का संचार होता है। अगर हमारे फेफड़े सही तरह से काम नहीं करते तो दूषित हवा में मौजूद बैक्टीरिया दिल तक पहुंच जाएंगे और हमारे दिल को नुकसान पहुंचा सकेंगे। तो दोस्तों फेफड़ों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स या फूड्स होते हैं और कौन सा आहार सर्वोत्तम आहार होता है फेफड़ों को हेल्दी बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों ऐसे में सबसे पहला जो फूड या फिर फ्रूट या फिर सर्वोत्तम आहार होता है जो हमारे फेफड़ों को हेल्दी रखता है वह होता है हल्दी। दोस्तों हल्दी में पाए जाने वाला कुरकुमिन नाम का तत्व फेफड़ों को कैंसर से होने से बचाता है। यह फेफड़ों की सूजन को कम करता है और अस्थमा के मरीजों के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ आती है खूब सारा पानी। जी हाँ दोस्तों, पानी पीने से आपके फेफड़े हाइड्रेट रहते हैं और यह फेफड़ों समेत शरीर के हर प्रकार के अंग के लिए खून के संचार को बढ़ावा देते हैं। पानी शरीर और फेफड़ों से गंदगी को बाहर निकालने में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों अगली चीज़ आती है अनार। एक अनार 100 बीमार, आपने यह कहावत तो सुनी होगी, यानी कि अनार की कई बीमारियों का इलाज है। अनार फेफड़ों से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और रक्त संचार को भी बढ़ाने का कार्य करता है। अनार में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर को कैंसर से होने से बचाता है। दोस्तों अगली चीज़ आती है बेरी। यह हर तरह की बेरी आपके अच्छे स्वास्थ्य और फेफड़ों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए मददगार होती है। चाहे आप स्ट्रॉबेरी लो या फिर ब्लूबेरी ले लें, रास्पबेरी ले लें या फिर जामुन का आप सेवन कर लें। दोस्तों इन बेरीज़ में फ्लेवोनॉइड्स, फेरोटीनॉइड्स व लूटीन और जिंजांथिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट आपको कैंसर से लड़ने और बचने के लिए फेफड़ों से कार्सिनोजन को ख़त्म करते हैं और फेफड़ों के इन्फेक्शन को दूर रखते हैं। दोस्तों अगली चीज़ आती है हरी पत्तेदार सब्जियाँ। हरी पत्तेदार सब्जियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर से जहरीले तत्व को बाहर निकालने में काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। फेफड़ों की सफाई के लिए आप ब्रोकली, गोभी, पालक, पत्ता गोभी आदि सब्जियों को जरूर खाएं। आप इन्हें सलाद या सब्जी के रूप में किसी भी तरह से खा सकते हैं। दोस्तों कैरोटीनॉइड्स वाले फूड को आपको सेवन करना है। जी हाँ दोस्तों, फेफड़ों को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए कैरोटीनॉइड्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट फेफड़ों को कैंसर होने से बचाते हैं और दमा के रोगियों को दमा का दौरा पड़ने से बचाते हैं। कैरोटीनॉइड की सप्लाई के लिए आप गाजर, टमाटर, चुकंदर, शकंदर और हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने आहार में चाहे तो शामिल कर सकते हैं। दोस्तों अगली चीज़ आती है एप्पल यानी कि सेब। रोज़ाना एक सेब खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। दोस्तों सच में यह चमत्कारी फल आपको फेफड़ों से कैंसर से बचाता है। सेब में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड्स और विटामिन्स आपके फेफड़ों को सेहतमंद बनाते हैं। सेब हर बीमारी का इलाज माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों सी फूड जैसे कि मछली, टूना फिश, सामन फिश, केकड़े, झींगा आदि में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड सिर्फ फेफड़ों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे शरीर को सेहतमंद बनाए रखने के लिए मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा अस्थमा के मरीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर आहार का सेवन करने से उन्हें सांस लेने में होने वाली तकलीफ और घबराहट से काफ़ी छुटकारा और आराम मिल जाता है। इसलिए फेफड़ों के लिए समुद्री भोजन सबसे अच्छा माना गया है। वैसे आप ओमेगा 3 की पूर्ति के लिए सूखे मेवे और अलसी का उपयोग भी कर सकते हैं। अगली चीज आती है दोस्तों अंगूर।
फेफड़ों को हेल्दी बनाने के लिए अंगूर का आप सेवन कर सकते हैं। अंगूर में फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं। अगली चीज़ आती है दोस्तों, विटामिन सी वाले फल। फेफड़ों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खट्टे फलों का सेवन करें, क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी को एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। यह एंटीऑक्सीडेंट सांस लेते वक्त शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। नींबू, संतरा, कीवी, अंगूर, अनानास, आम, स्ट्रॉबेरी और टमाटर जैसे खट्टे फल विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत होते हैं। अपने फेफड़ों से जहरीले तत्वों को बाहर निकालने के लिए आप इन फलों का सेवन कर सकते हैं। अगली चीज आती है फोलेट वाले आहार। दोस्तों, फोलेट हमारे शरीर में जाकर फोलिक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। फोलेट हमारे फेफड़ों में कैंसर पैदा करने वाले तत्व को कम करते हैं और फेफड़ों को कैंसर होने से बचाते हैं। ब्रोकली, शतावरी, मसूर की दाल, पालक, चुकंदर, गाजर आदि में फोलेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगली चीज़ आती है मैग्नीशियम वाले आहार। मैग्नीशियम फेफड़ों को ऑक्सीजन ग्रहण करने की शक्ति को बढ़ावा देता है, इसलिए अस्थमा और फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित रोगियों को अपने भोजन में मैग्नीशियम की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। मैग्नीशियम केला, मछली, ड्राई फ्रूट्स, एवोकेडो और बीन्स में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और अगली चीज़ आती है अदरक। अदरक में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण फेफड़ों को पोल्यूशन से बचाते हैं। अदरक का सेवन करने से आप सांस से संबंधित बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अदरक के गुणों का फ़ायदा उठाने के लिए आप इसे भोजन में या फिर अदरक की चाय बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि आखिर फेफड़ों को हेल्दी बनाए रखने के लिए आप किन किन आहार का सेवन कर सकते हैं, जिससे कि आपके फेफड़े हमेशा हेल्दी रहें और आप बहुत सारी बीमारियों से दूर बचे रहें। तो दोस्तों, हमारी इस जानकारी में फ़िलहाल यहीं तक। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक थम्स अप यानी कि लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।